आज हम बात करेंगे भगवद गीता के दो श्लोक जो हमें धर्म और अधर्म के बारे में बताते हैं। श्लोक 40 कहता है कि जब परिवार का विनाश होता है तब पुराने धार्मिक रीति रिवाज भी समाप्त हो जाते हैं। जब धर्म का समर्थन नष्ट हो जाता है तो पाप पूरे परिवार पर हावी हो जाता है। और श्लोक 31 कहता है कि जब धर्म की कमी होती है तो परिवार की महिलाएं भ्रष्ट हो जाती हैं। इसका परिणाम होता है वर्ण संकरता यानी जातियों का मिश्रण। मित्रों, यहाँ परिवार से मेरा मतलब है हमारे अंदर के और बाहर की ज्ञान और व्यक्तिगत शक्तियाँ, जिनसे हम अपने आसपास की दुनिया को समझते हैं और उसके साथ इंटरेक्ट करते हैं। हमारी इंद्रियाँ देखने, सुनने, चखने, छूने, सूंघने की, बोलने की, और मनस मन जो इन सबको एक साथ बांध के रखता है, ये सब हमारी शक्तियाँ हैं। मनस का काम होता है इंद्रियों को संयोजित करना। दोस्तों, गीता के इन दो श्लोकों में धर्म से मेरा मतलब है धर्म या कर्तव्य। ये एक व्यापक शब्द है जो ब्रह्मांड और मनुष्य को संचालित करने वाले प्राकृतिक नियमों के लिए है। जब हम धर्म को समझते हैं और उसका पालन करने में सक्षम होते हैं तो हम अपने जीवन को, यतिगत शक्तियाँ जिनसे हम अपने आसपास की दुनिया को समझते हैं और उसके साथ बातचीत करते हैं। इसलिए अपने धर्म का पालन करें, अपनी इंद्रियों को संयमित रखें और सही ज्ञान के साथ अपने जीवन को संचालित करें। यही है भगवद गीता का संदेश। प्रणाम।